बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है ग्राफिक्स वाले चैप्टर के अंदर। जो आज हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन का टाइटल है व्हाट आर डिफरेंट मोड्स और ग्राफिक मोड्स फॉर डिस्प्लेइंग डेटा इन बेसिक। बेसिक में डाटा को डिस्प्ले करने के मुख्तलिफ मोड्स बताने हैं। तो डिस्प्ले मोड्स जो ग्राफिक में है वो तीन हैं बेसिक के अंदर। उन मोड्स में सबसे पहला मोड कहलाता है टेक्स्ट मोड, यानी जो हमारे पास GW बेसिक का सॉफ्टवेयर है वो जितने मोड्स के अंदर काम करता है उनमें सबसे पहला मोड है, उस मोड का नाम है टेक्स्ट मोड। यानी हम सॉफ्टवेयर को टेक्स्ट मोड में यूज कर सकते हैं। दूसरा जो इसका मोड है वो है मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक्स मोड, इसमें हम यूज कर सकते हैं। और थर्ड मोड जो इसमें है वो है हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। ये तीन मोड्स हैं, इनके नाम अच्छे से याद रखने हैं, टेक्स्ट मोड, मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड एंड हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। इसमें जो फर्स्ट मोड है वो है टेक्स्ट मोड। इन टेक्स्ट मोड हम कह सकते हैं कि जो टेक्स्ट मोड है इस मोड में क्या होता है, क्या बातें आपने याद रखनी है। इन टेक्स्ट मोड, टेक्स्ट मोड में आप कह सकते हैं यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट मोड यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट डेटा है वो कौन सा टेक्स्ट डेटा, वो डेटा होता है जिसको हम रिटर्न फॉर्म में टेक्स्ट की फॉर्म में शो करते हैं, वो डेटा हमारे पास टेक्स्ट डेटा होता है। टेक्स्ट एंड लाइंस कैन बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन इन दिस मोड। इस मोड के अंदर हम टेक्स्ट को और लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। यानी स्क्रीन के ऊपर हम इस मोड में सिर्फ और सिर्फ किसको, टेक्स्ट को और सिर्फ लाइंस को ही ड्रॉ कर सकते हैं और ग्राफिक्स और शेप्स वगैरह इस पे नहीं बना सकते। द होल स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 80 कॉलम्स एंड 25 रोज। ये जो हमारे पास होल स्क्रीन होती है इसके अंदर जो कॉलम्स की तादाद होती है वो 80 कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स मीन इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम डॉट्स को गिने, यानी एक लाइन हम गिने तो ये एक कॉलम है, फिर इसके साथ हम ऐसे ही ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन बनाए तो ये दूसरा कॉलम, ये डॉट्स की तीसरी लाइन बनाए तो तीसरा कॉलम। तो इस तरह हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ डॉट्स की जो लाइंस है वो 80 लाइंस मिलती हैं। एंड वी हैव 25 रोज, अगर हम ऐसे बात करें जैसे ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, इस तरह डॉट्स की 25 रोज मिलती हैं इस मोड के अंदर। टेक्स्ट मोड के अंदर हमें 80 कॉलम्स एंड 25 रोज अवेलेबल होती हैं। द कॉलम्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 39। जो कॉलम्स की नंबरिंग होती है वो 0 से 39 और 79 होती है। एंड द रोज आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 24। और रोज यानी पहली रो का नंबर 0 होगा, दूसरी का 1, तीसरी रो का नंबर 3, 2, तीसरे इसके अलावा 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह चलते जाएंगे और जो लास्ट पे 25 नंबर पे रो होगी उसका नंबर होगा 24। दिस मोड कैन डिस्प्ले 16 कलर्स। इस मोड में हम जो कलर्स डिस्प्ले कर सकते हैं 16 कलर्स डिस्प्ले कर सकते हैं। इट इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ बेसिक। ये बेसिक का डिफॉल्ट मोड है। डिफॉल्ट मोड से मुराद ये है कि जैसे ही हम बेसिक को चलाते हैं तो हमारे पास जो पहला पहला मोड जाहिर होता है, जो पहला पहला मोड शो होता है वो मोड हमारे पास टेक्स्ट मोड होता है, उसको हम टेक्स्ट मोड ही कहते हैं। तो अब यहाँ पे टेक्स्ट मोड में ये पूरा पैराग्राफ आपने राइट करना है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। अभी हम मीडियम और हाई रेजोल्यूशन की तरफ भी जाते हैं। इसमें आप देखें बात क्या याद रखनी है कि सबसे पहली बात MCQ के हवाले से कि ये कौन सा डाटा डिस्प्ले करता है, ओनली टेक्स्ट डेटा डिस्प्ले करता है और इसके अलावा इसके ऊपर हम लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा मेन बात जो आपने याद रखनी है इसके कॉलम्स की तादाद है वो 80 है
और रोज की तादाद इसकी 25 है। और इसके अलावा इसके जो मेन पॉइंट और याद रखना है वो इसके नंबर ऑफ कलर्स हैं कि इस पे आप 16 कलर्स डिस्प्ले कर सकते हैं इन टेक्स्ट मोड, या आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मोड की तरफ जो कि है मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। दूसरा मोड है मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। मीडियम रेजोल्यूशन जो ग्राफिक मोड है इसमें यूज होते हैं ड्राइंग ग्राफिक्स, इसमें हम ग्राफिक्स ड्रा करते हैं, मतलब उसमें तो सिर्फ टेक्स्ट और लाइंस दिखा सकते थे, इसमें सिर्फ टेक्स्ट और लाइंस के अलावा हम इसमें कोई चीज़ें बना सकते हैं। ग्राफिक मतलब आपने ट्राइंगल शेप बनानी है, आपने स्क्वायर बनाना है, आपने सर्कल की डायग्राम बनानी है, मतलब कोई भी आपने कोई ड्राइंग वगैरह करनी है। तो ड्राइंग वगैरह करने के लिए जो आपके पास मोड यूज होता है वो दूसरा मोड यूज होता है जिसे हम कहते हैं मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। द डिस्प्ले स्क्रीन इज डिवाइडेड इन दिस मोड इज डिवाइडेड इनटू अ मैट्रिक्स ऑफ 320 कॉलम्स एंड 200 रोज ऑफ पिक्सल्स। उसमें 80 कॉलम थे, 25 रोज थी, और इसके अंदर जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा, मैट्रिक्स कहते हैं इस तरह और इस तरह से मिला के, जैसे मैथ की कॉपी होती है आपके पास, तो उसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल बॉक्सेस होते हैं, तो उनको मिलाते हैं तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो इसके अंदर 320 कॉलम्स एंड 200 रोज होती हैं आपके पास पिक्सल्स की, उनको मिलाकर ये आपके पास मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड बन जाता है। द पोजिशन ऑफ ईच पिक्सल इज डिटरमाइंड बाय इट्स कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो हमारे पास पिक्सल है इसके अंदर, उसको कैसे डिस्प्लाइन करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो कि अभी हम पीछे लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेट्स में पढ़ चुके थे। दिस मोड वर्क विद फोर कलर्स। ये मोड सिर्फ और सिर्फ फोर कलर्स के साथ वर्क करता है। इससे पहले वाला मोड जो है वो 16 कलर्स को डिफाइन कर रहा था। दीज कलर्स आर 0, 1, 2 एंड 3। ये इनके नाम है, नंबरिंग दी हुई है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो इसमें आपने ये बातें याद रखनी है मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड के अंदर। थर्ड आ जाता है लास्ट में हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड इज यूज इन ड्राइंग ग्राफिक्स। ये भी ग्राफिक्स ड्राइंग में इस्तेमाल होता है। इस मोड के अंदर जो आपको मैट्रिक्स मिलता है, कॉलम की तादाद मिलती है, वो है 640 कॉलम्स मिलते हैं एंड 200 रोज मिलती हैं पिक्सल्स की। तो अब अगर हम इनको पहले दोनों के साथ कंपेयर करें तो इस मोड की जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो 640 कॉलम्स एंड 200 रोज मिलती हैं पिक्सल्स की। द टेक्स्ट इन दिस मोड इज डिस्प्लेड इन 25 लाइन्स। इस मोड के अंदर जो टेक्स्ट होता है वो 25 लाइन्स में आ जाता है, और उसके बाद बाकी चीज़ें आप इसके अंदर ड्राइंग वगैरह इसके अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। ईच रो कैन बी यूज टू डिस्प्ले 80 कैरेक्टर्स। हर लाइन के अंदर आप 80 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन का ग्राफिक मोड होता है। तो इसके अंदर आपने ये बातें याद रखनी है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने टेक्स्ट मोड, मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड एंड हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड, इन मोड्स को अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। ये इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे आगे सारे के सारे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, उनको प्रैक्टिकली भी एग्जांपल के तौर पे भी सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।